यहाँ क्या बताया गया है 13 नंबर क्वेश्चन में, 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम गुणज होते क्या हैं उनको देखते हैं। जैसे कि कोई आपको बोला 2 के 4 गुणज लिखिए, 4 गुणज लिखें, तो आप क्या लिखेंगे, यहाँ 2 को 4 बार पढ़ दीजिए। जैसे कि 2 1 2, 2 2 4, 2 3 6, 2 4 8, यही हमारा 2 का गुणज है। गुणज मीन्स आप ये समझ लीजिए हमें वह पहाड़ा लिखना है, वही हमारा गुणज होता है। उसी तरह से हमें 8 के प्रथम 15 गुणज का योग ज्ञात करना है, तो 8 को 15 बार लिखना होगा, तो 8 1 8, 8 2 16, 8 3 24, ...... ऐसे करके हमको 15 बार लिखना है। तो यहाँ से क्या पता चल रहा है कि ए हमारा 8 गिवन है और डी हम निकालेंगे तो 16 - 8 करना होगा और इसमें हमारा 8 ही निकलेगा, और एन हमें गिवन है 15 है। क्यों है 15? क्योंकि हमें 15 पदों तक का योग निकालना है, ऐसे 15 गुणज हैं, इसलिए हमें S15 निकालना भी है। अब जब हमें S15 निकालना ही है तो हम यहाँ से सिंपली S15 SN की फॉर्मूला लगा के निकाल सकते हैं। तो SN इज इक्वल टू N/2, फिर 2A प्लस N-1 इंटू D कर लेंगे। S को ऐसे ही छोड़ देते हैं, N की वैल्यू यहाँ से हम 15 पुट कर लेते हैं, 15/2 इंटू 2, A की वैल्यू यहाँ से 8 रख लेते हैं, प्लस N की वैल्यू यहाँ से 15 रख लेते हैं, और -1 इंटू D की वैल्यू कितना हो जाएगा 8, तो हम यहाँ 8 लिख लेते हैं। फिर 15/2 कटेगा नहीं तो इसको हम वैसे ही रख लेते हैं, और 8 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 आ जाएगा, प्लस है तो प्लस, 15 में से 1 माइनस होगा तो 14, और 14 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 102। अब जब 16 को 112 में ऐड करेंगे तो कितना आएगा 15/2 मल्टीप्लाइड 128। जब इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 6 12 और 2 4 8, तो 64 को जब हम 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 4 16, कैरी कितना आया 6, तो 15 6 90 और प्लस में 6 तो 96। तो हमें क्या पता चल रहा है कि S15 हमें कितना आया 960, यही हमारा आंसर है। अगर आपको इसका सॉल्यूशन नहीं समझ में आया तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।